हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो चलो मैं आज आपके साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ चाउमीन। सबसे पहले मैंने चाउमीन ले लिया है, इसको मैं कर लूँगी बॉईल। मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब इसमें मैं चाउमीन डाल दूँगी और बॉईल कर लूँगी। और यहाँ मैंने रख दी है लोहे की कढ़ाई, जिसमें मैं ये सारी सब्जियाँ फ्राई कर लूँगी जो मैं डालने वाली हूँ। ये बीन्स और शिमला मिर्च खुद मैंने काट ली है। ये शिमला मिर्च है और ये गाजर है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने बंद गोभी और प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इन सबको फ्राई करूंगी लोहे की कढ़ाई में। मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। ये सारी सब्जियां मैं घी में फ्राई करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसमें जो डालूंगी प्याज, मैंने प्याज डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें सारी सब्जियां मैंने ऐड कर देनी है। चाउमीन को भी मैंने बॉईल होने के लिए दिया है। मैंने इसको बस थोड़ा ही बॉईल करना है। मैंने बीन्स डाल दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप करी हुई सब्जी। इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें मैं भी ऐड कर दूंगी और फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। और इसको अच्छे से मिला लूंगी। बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है हमारी सब्जी, बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो गई है। अब हम चाउमीन बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। गैस को कर देंगे हम बंद। अब इधर हम पकाएंगे चाउमीन। गैस मैंने ऑन कर दिया। कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी। अब मैं इसमें डाल दूंगी बटर। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच अजीनोमोटो और 1 चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर। बस इसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ेगा, बस इन दोनों को डाल के एक चम्मच डाल दूंगी नमक। नमक मैंने सब्जी में भी डाला था तो थोड़ा ही डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं धीरे धीरे इसमें चाउमीन डालती जाऊंगी और अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। दो ढक्कन मैंने सोया सॉस डालना है इसमें।
अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। विनेगर को भी मैंने एक बड़ा चम्मच के लगभग डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। चाउमीन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई करी हैं वो मिक्स कर देंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैंने ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी चाउमीन है बिल्कुल रेडी के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी नॉनस्टिकी बनी है। आप भी बनाएं घर पे और हेल्दी चाउमीन खाएं। अब चलते हैं हम इसको सर्व करने के प्रोसेस में। लो जी, हमारी गर्मा गर्म चाउमीन तैयार है। आप खाएं और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।